नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। परिजन की मृत्यु के बाद क्यों मुंडवाया जाता है सिर, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी परिजन की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े कई नियम हैं, जहाँ कुछ नियम मृतक के लिए हैं तो कुछ मृतक के परिवार जन के लिए। इन्हीं में से एक है मुंडन का नियम। घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो सिर मुंडवाया जाता है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर का ने हमें इसके पीछे की तीन बहुत ही रोचक कारण बताए, जो आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। पहला है श्रद्धांजलि देने के लिए। मृतक ने अपने जीवन काल में परिवार के लिए बहुत कुछ किया होता है, इसी कारण से उसकी मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार उसके योगदान के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। इसी कृतज्ञ के तौर पर सिर मुंडवाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। सरल शब्दों में कहें तो मृतक के लिए बाल समर्पित करना उसके प्रति प्यार और सम्मान को दर्शाने के रूप में देखा जाता है। दूसरा है बचाव के लिए। मृत्यु के बाद मृतक के शरीर के आसपास बहुत से हानिकारक जीवाणु पैदा होने लगते हैं। घर के सदस्य मृतक के शरीर को शमशान ले जाने तक कई बार छूते हैं। ऐसे में मृत शरीर के पास मौजूद जीवाणुओं के संपर्क में अन्य लोगों का आना निश्चित है। इसी कारण से उन जीवाणुओं को हटाने के लिए अंतिम संस्कार के बाद कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि नाखून काटना, धूप में बैठना, स्नान करना। इन्हीं में से एक सिर मुंडवाना भी है। मृतक से रिश्ते खत्म करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा शरीर से अलग होने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि कुछ बाद यमलोक जाती है। ऐसे में हम आत्मा कई बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती हैं। धर्म ग्रंथों में बालों को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आत्मा का परिवार के लोगों से संपर्क में आने का सबसे आसान माध्यम उनके बाल ही होते हैं। इसी कारण से अंतिम संस्कार से पहले ही सिर मुंडवाने की परंपरा चली आ रही है। तीन मुख्य कारणों से परिजन की मृत्यु के बाद मुंडवाया जाता है सिर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट बार हम फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक लाइन पर बने रहें। धन्यवाद।